पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी अल्पसंख्यक विभाग भिवंडी शहर अध्यक्ष अब्दुल गनी खान के मार्गदर्शन में आज भिवंडी शहर उपाध्यक्ष मोहम्मद नईम अंसारी और महासचिव सलम सफी शेख को बनाया गया और साथ में दो वार्डों का गठन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 12 के अध्यक्ष मकबूल हसन अंसारी व सिराजुद्दीन अंसारी को वार्ड नंबर 3 का अध्यक्ष तथा मोहम्मद आरिफ अंसारी को उपाध्यक्ष का पद दिया गया है और सभी वार्ड अध्यक्षों को अपनी अपनी कमेटी का गठन करने का अधिकार दिया गया। शामिल होने वाले सभी लोग शहर में कई वर्षों से सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट को, भिवंडी से ताज अंसारी की रिपोर्ट। जो हमारे साथ साथ वाले भी साथ में हैं, हमारे महासचिव असलम भाई, हमारे आरिफ भाई, सिराज मुकादम, मकबूल हसन भाई, ये सब सारी साथ में ही एक साथ हम लोग आज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं और इसको निष्ठापूर्वक काम करेंगे। जन अधिकार पार्टी को हमने त्याग पत्र समझिए त्याग दिया, क्योंकि उनका वहाँ अहमियत कुछ है नहीं, सब आपस में ही सब कट मर रहे हैं और जन अधिकार पार्टी जो काम गलत कर रहा है उसी को साथ दे रहा है, इसलिए हमारा वो पार्टी वहाँ अच्छा लगा नहीं। इसलिए मैं इस पार्टी में आया हूँ और पब्लिक का काम करूँगा और अच्छा काम करूँगा। उनके लिए 5-6 साल टाइम दिया, लेकिन कोई मुझे वहाँ से हेल्प नहीं दिया गया, ना तन झंडा ना बैनर, कोई चीज मिला ही नहीं। उसमें डॉक्टर अशोक कुमार मौर्या जो वो भी खर्च किए बेचारे, बहुत खर्च किए उन्होंने, उनका भी अहमियत नहीं दिया, उनको भी बाइकाट किया गया। इसलिए मैं इस पार्टी से सम्मिलित हुआ हूँ और इस पार्टी को बहुत आगे लेके जाऊंगा। बस इसी कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम लगाता हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हमारे दोस्तों ने जो बहुत दिनों से संघर्ष भिवंडी के अंदर कर रहे हैं और हर लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए ये लड़ते रहते हैं, इनको कोई ख्वाहिश नहीं है चुनाव लड़ने का या और कोई राजनीतिक ऐसा ख्वाहिश नहीं, लेकिन लोगों को सामाजिक काम करने के लिए यहाँ पे आज हमारी पार्टी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए हैं सब लोग। और इनको बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्र कवाड़े सर के विचारधाराओं पे भरोसा था, इसलिए इसमें शामिल हुए। आज इसमें से नईम अंसारी जो वरिष्ठ यहाँ पे कार्यकर्ता थे भिवंडी गायत्री नगर और शांति नगर क्षेत्र में, भिवंडी के कई क्षेत्रों में इन्होंने मैंने देखा उत्तर भारतीयों के लिए बिहार के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, वो आज हमारी पार्टी में भिवंडी शहर उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। आरिफ अंसारी हैं उपाध्यक्ष वार्ड नंबर 3 आके, और सिराजुद्दीन रहीमुल्ला अंसारी वार्ड नंबर 3 के अध्यक्ष हैं। सलम सफी शेख महासचिव भिवंडी शहर बने हैं। मकबूल हसन अंसारी वार्ड नंबर 12 के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर कोई भी आपके क्षेत्र में समस्या हो तो इनसे जुड़ सकते हैं, इनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप वार्ड का चुनाव लड़ो या शहर का चुनाव MLA लड़के कोई काम किया जा सकता है, ऐसे भी काम किया जा सकता है सामाजिक काम, अपने अपनों के लिए, अपने वालों के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए काम किया जा सकता है।